दुरूद शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लाइट ज़रा साउंड कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बस मेरे भाइयों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो है अल्लाह ताला के ज़िक्र करने के लिए, अल्लाह की याद में अल्लाह ने हमें आज जमा किया, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और जो है अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं उसी को अल्लाह ताला जो है अपने घर में बुलाते हैं। मेहमान तो देखें बहुत सारे किस्म के होते हैं, तीन किस्म के मेहमान होते हैं। एक मेहमान ऐसा होता है कि जो आते ही जो है हम बेजार हो जाते हैं, यार कब जाएगा ये। एक मेहमान ऐसा होता है कि लोग आते ही बेजार हो जाते हैं, यार ये कब जाएगा, ये कहाँ मुसीबत आ गई। एक मेहमान ऐसा होता है कि जो है वो आता है, बोला चलो ठीक है यार आ गया, चलो थोड़ी बातचीत कर लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, आधा घंटा बैठ जाओ, आधे घंटे के बाद फिर उसको परेशानी शुरू हो जाती है। एक ऐसा मेहमान होता है कि जिसके लिए दिल चाहता है कि यार ये जाए ना, वो बोलता है मुझे जाना है, बोले नहीं नहीं जाए, उसको रोक के रखें। तो अल्लाह जिससे प्यार करते हैं, जो उसको बार बार अपने घर में बुलाते हैं, बार बार अपने ज़िक्र के लिए बुलाते हैं। कई लोग हैं जुम्मे जुम्मे नमाज़ पढ़ते हैं, कई लोग ईद ईद में नमाज़ पढ़ते हैं, कई लोग हैं जुम्मे जुम्मे नमाज़ पढ़ते हैं, कई लोग रोज़ाना मस्जिद में होते हैं। तो ये खसूसियात है कि अल्लाह ताला जिससे प्यार करते हैं उसको बार बार बुलाते हैं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बार बार इस महफिल में शामिल कर रहा है। हमारे क्या औकात है, इंसान की कोई औकात नहीं है, कोई वसूत नहीं है। इंसान अपने हाथ से एक मक्खी का पर नहीं बना सकता, अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता, एक गिलास पानी नहीं पी सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर। अल्लाह के हुक्म के बगैर हर चीज़ इंसान के लिए मोहताज है, और वो बार बार अल्लाह के महफिल में आ रहा है, अल्लाह उसे काम ले रहा है, तो अल्लाह कितना खुश है उससे। और अल्लाह का करम है जो अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है, और अल्लाह ताला जो है हम अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हैं, बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। तो ये ज़रा सोचें कि कई हज़ार लोग हैं इस वक्त मौजूद नहीं है, पता नहीं दुनिया में क्या क्या काम कर रहे होंगे, और अल्लाह ने हमें अपना वक्त निकाल कर, टाइम निकाल कर, सब कुछ चीज़ें निकाल के अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क अपने अंदर उतार जाए, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। कभी किसी टाइम अगर बग़ैर किसी उज़र की वजह से, अगर ये महफिल से हम बग़ैर किसी उज़र की वजह से दूर हो जाते हैं, तो समझ जाएँ कि शैतान आपको हटा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता कोई उज़र है, बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, तो एक उज़र है। अगर कोई उज़र नहीं है, हम जो है बिला वजह अपने टाइम को ज़ाया कर रहे हैं टीवी देखते हुए या कोई फजूल काम में, अगर हम इस ज़िक्र के महफिल से दूर हो रहे हैं, तो समझ जाए शैतान नहीं चाहता कि आप इस ज़िक्र के महफिल में शामिल हो, और आप पे हमला करना उसने शुरू कर दिया। और जो शैतान वैसे ज़्यादा उस चीज़ से ज़्यादा घबराता है जिससे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, उस महफिल से वो रोकता है कि ये तो जाएगा इस महफिल में बैठेगा और उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये एक तो मेरे यहाँ से भागेगा, दस को और लेके भगाएगा। भाई एक बंदा ये जा रहा है महफिल में, बोले कल दूसरे को बोला यार चलो यार वो बड़ा मज़ा आ रहा है, मौज़िकर होता है, उसको भी लाएगा, तीसरे को भी लाएगा, ये तो मेरा ग्रुप ख़त्म कर रहा है। तो शैतान उस चीज़ से रोकेगा। और दूसरा भाई, इस ज़िक्र के बरकात से जो है अल्लाह ताला हमारे दिलों को बदलते हैं, हमारे हालात को बदलते हैं। और हमारे पूरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप गुजारें, देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस में गुजरी है। और अल्लाह ताला के एक हदीस में आता है, दौरे हदीस में पढ़ाते हैं जब आखिरी साल का जो सबक होता है उसके अंदर, कि कुछ नऊज़ बिल्ला जो कुछ काफिर थे वो बदतमीज़ी कर रहे थे, गुस्ताखी कर रहे थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आपके बारे में गुस्ताखी कर रहे हैं, बात घुमा के कर रहे थे,
मुजम्मिल को मुजम्मा कह रहे थे, घुमा के बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, मुझे तो बोला ही नहीं, मुझे तो बात बोली नहीं है, ये तो किसी और के बारे में बोल रहे हैं, हालांकि बोल रहे नबी के बारे में। ये तर्ज ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, जहाँ पर अल्लाह ने वकीम सलात वात ज़कात मार रौकी माँ सब्र के अंदर बोला, अल्लाह ने हर जगह जहाँ अल्लाह ने कोई हुक्म दिया साथ में सब्र मिलाया। तो इंसान को जो है सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारना है, और अल्लाह के नबी की ये जो हदीस है इसमें पूरी तरह से ज़िंदगी है कि किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, अपने अंदर जज्बात को, गुस्से को किस तरीके से ठंडा करना है। सब्र के बगैर विलायत नहीं मिलेगी, सब्र के बगैर विलायत नहीं मिलेगी। और जितने भी पैगंबर थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेराज मिला आग के अंदर, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मेराज मिला कुएं के अंदर, ठीक है ना, अय्यूब अलैहिस्सलाम को मेराज मिला बीमारी के अंदर, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार बंदे थे, पैगंबर थे, अल्लाह के हर वक्त शुक्र करते थे, अल्लाह के हमेशा शुक्रगुजारी में ज़िंदगी गुजारते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते थे फरिश्तों के सामने, तारीफ़ करते, कैसा मेरा बंदा है, कैसा मेरा प्यारा बंदा है, हर वक्त मेरा शुक्रगुजारी करता है, हर वक्त मेरा हम्द व सना बयान करता है, कितना प्यारा बंदा है मेरा। तो शैतान को बर्दाश्त नहीं हुआ, शैतान को कैसे बर्दाश्त हो भाई, तो शैतान को बर्दाश्त नहीं हुआ। शैतान ने बोला, या अल्लाह तूने तो सब चीज़ें दे रखी है इसको, खूबसूरत बीवी है, खुद कितने खूबसूरत हैं, खूबसूरत बीवी से आपको बताऊँ, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी उनका नाम रहमत था, वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती थी, बात समझ में आ रही, वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती थी। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो हुसन तो था, ज़ाहिर से बताए पोती में तो आना ही है, सबसे खूबसूरत औरत थी उस वक्त पूरे जहान में अय्यूब अलैहिस्सलाम की बेगम। तो शैतान ने कहा कि खूबसूरत बीवी है, पैसा है, वक्त का बादशाह है, औलादें हैं, 40 औलादें थी, मुफस्सिरीन लिखते हैं मुख्तलिफ इसमें रवायतें, बाद मुफस्सिरीन कहते हैं 40 औलादें थी बेटा बेटी मिला के, तो तेरा शुक्रगुजारी क्यों ना करें, तेरी शुक्रगुजारी क्यों ना करें। तो बोला कि अल्लाह तू मुझे इजाज़त दे, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि तकलीफ़ के हालात में तेरी जो है शुक्रगुजारी करता है या नहीं करता। अल्लाह ने बोला आजमा ले, अल्लाह ने बोला उसको आजमा ले। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम जब सजदे में गए तो उसने फूंक मारी, तो पूरे नाक के ज़रिए से जो है उनको फूंक गया, पूरा जिस्म जल गया, नापाक था ना शैतान, उसके फूंक भी नापाक, पूरे जिस्म सड़ना शुरू हो गया। और क्या किया, छत गिरा दिया, जो इनके मकान था उनके छत गिरा दिया, सब जो है ना बच्चे इंतकाल हो गए, यहाँ से इनका इम्तिहान शुरू हो गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें हमसे इम्तिहान ना ले, हम इम्तिहान के लायक नहीं हैं, ना हम इम्तिहान को पास कर सकते हैं। ये पैगंबर जो थे, पैगंबरी हैं जो इम्तिहान को पास कर जाते हैं, इनके जैसा सब्र जो है कोई नहीं कर सकता, हमारे औकात नहीं है। पर अल्लाह से यही दुआ करे, अल्लाह अपने करम नवाजी रख, हमें इम्तिहान से बचा और हमारे गुनाहों को माफ़ कर, अपने रहमत बरसा, यही दुआ करना चाहिए हर वक्त। तो बहरहाल अय्यूब अलैहिस्सलाम छत गिर गया, बच्चे सब इंतकाल हो गया, सब परेशान, इंतकाल हो गया, बीमारी लग गई, पूरा जिस्म सड़ गया उनका, पूरा जिस्म उनका सड़ गया, कीड़े लग गए। बहरहाल ये वाक़या इनके साथ पेश आया, सब ख़त्म हो गया, सब दौलत ख़त्म हो गई, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, शैतान को बस नहीं चला। अब बीबी रहमत जो थी वो क्या करती थी, अपने शौहर के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए
पैगंबर की बीवी है ना, बादशाह की बीवी, वो घरों में जाके काम करती थी, घरों में जाके काम करती थी, लोगों का आटा गूंथती थी, चक्की चलाती थी, फिर जाके कोई रोटी का टुकड़ा मिल जाता था तो वो पानी में डूबो के खुद भी खाती थी और अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी खिलाती थी। आजकल की तो बीवियाँ भाई थोड़ा सा हालत ख़राब हो जाए ना, थोड़ा सा हालत ख़राब हो जाए तो छोड़ देती हैं, बोले तो कंगला हो गया, क्या करें इसके साथ भाई, अब तो है ही नहीं। मेरे एक बंदे ने बोला हज़रत एक इस्तखारा करना है, मतलब क्या करना है, बोले ये रिश्ता सही रहेगा कि नहीं रहेगा ज़रा बताइए मुझे आप। तो मैंने देखा, मैंने कहा गड़बड़ है इसमें, तो मैंने मुझे बताओ ये शादीशुदा है कि नहीं, बोले नहीं नहीं सिपा, मैंने सही बताओ शादीशुदा है कि नहीं, बोले जी हदा शादीशुदा है। बोले फिर तुम किस चीज़ का इस्तखारा कर रहे हो, बोले नहीं इसके पहले दुबई में अच्छे हालात थे, अब जो है हालात इसके ख़राब हो गया, टैक्सी चलाता है। तो हमने कहा अभी क्या रहेगा इसके साथ रहना सही है कि नहीं है, मैंने तुम्हारी क्या लगती है, मतलब साली मैंने कल अल्लाह तुम्हारे साथ ये हालात कर दे, बीवी है, बीवी इस्तखारा करवा रही है कि इसके हालात बदलेगा नहीं बदलेगा, मैं अपना रास्ता दूसरा शौहर ढूंढू। क्या हो गया हमारे हालात को, किस दौर पे हम जा रहे हैं, पैसे से मोहब्बत है, पैसा है तो मोहब्बत है, पैसा नहीं है तो सब कुछ भी नहीं है, पैसों से अल्लाह के पैसों की वजह से किसी से मोहब्बत होगी ना हज़रत, पर चंद दिन की होगी, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किसी से मोहब्बत होगी, ज़िंदगी गुजर जाएगी, ज़िंदगी गुजर जाएगी, मोहब्बत कम नहीं होगी। तो हाँ, बीबी रहमत जो है वो काम करती थी घरों में जाके, और जो है घरों में जाके काम कर कर के गुज़ारा करती थी, ठीक है ना। फिर शैतान मरदूद को सुकून नहीं मिला, मरदूद बोलता हूँ कि वाकई है कुछ ऐसा है, इसको जब पढ़ते हैं हमने तफसीर में पढ़ा तो बड़ा दिल दुखता है, तो शैतान मरदूद को सुकून नहीं मिला, घरों में जाके वसवसे डालने लगा सबको कि भाई ये इसके शौहर को तो कोड़ पड़ गया है, और ये कोड़ वाले के साथ रहती है, ये तुम्हारे घरों में आ रही है, तुम्हारे रोटी बना रही है, तुम्हारे चक्की बना रही है, ये तो तुमको बीमारी लग जाएगी, बात समझ में आ रही, बोली बीमारी तुमको लग जाएगी। तो भाई मुझे इस बात का जवाब ये चाहिए, कोड़ की बीमारी है यानी बीमारी टू बीमारी ट्रांसफ़र होता है, कहते हैं ना जेनेटिक होता है, बाप को शुगर है तो बेटे को भी शुगर होगा, होता है ऐसा, ठीक है ना। कोई ऐसे किसी को मुलहक बीमारी हो उसके साथ आप बैठ जाओ, उसके साथ अगर आप बैठ जाते हो आपको छूत लग जाती है, जैसे कि टीबी की बीमारी कहते हैं कि टीबी के अंदर जो है मेरी बात को समझना है आपने, ठीक है, बात को ज़रा गौर से समझना। टीबी की बीमारी है किसी को, वो टीबी वाले के साथ कोई बैठेगा खाएगा पिएगा उसको भी बीमारी लग जाएगी, है कि नहीं, बोलो ना भाई, है कि नहीं है। उसके बेचारे के बर्तन भी अलग, बिस्तर भी अलग, और मिलते में तो बोल आप पहले जमा तो मास्क नहीं होते थे पहले तो बेचारे, अब तो मास्क पहन के मिलो, ग्लव्स पहनो उससे मिलते हुए भी। तो जब बीमारी के असरात दूसरे इंसान को लग जाते हैं तो बुराई के असरात भी लगेंगे, नहीं लगेंगे, जानी के कोई असरात नहीं है, शराबी के कोई असरात नहीं है, झूठ बोलने वाले का कोई असरात नहीं है, क्या सूद खाने वाले का कोई असरात नहीं है, सब के असरात हैं। जिस तरीके से बीमारी के असरात हमें लग जाता है, इसी तरह शराबी के साथ बैठोगे आपको भी शराबी बना देगा वो, झूठे के साथ बैठोगे आप भी झूठ बोलना शुरू कर दोगे, शराबी के साथ बैठोगे ऑटोमेटिकली शराब पीना शुरू कर देंगे। तो ये सब चीज़ों के असरात हैं, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू अत्तक़ुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, तक्वा इख्तियार करो, मुत्तकीन लोगों में बैठो। सोहबत के असरात होते हैं, एक नेक महफिल में बैठोगे उसके असरात आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे, एक बद महफिल में बैठोगे आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे,
एक बड़ा लड़का था, अभी मेरे पास एक पेशेंट आया, मुझे बता रहा था, एक सीधा सा लड़का था, बस ऐसा था कि बस कोलू का बैल बोलते ना, सीधा साधा। मियाँ बीवी में नाराज़गियाँ थी, सब कुछ था, बस थोड़ा सा हो जाता है आपस में घरों हर घर में मसले मसाले होते हैं, बीवी नाराज़ थी, ये था वो था, चलता रहा सिलसिला। अब उसका टोन चेंज हो गया भाई, अब क्यों, पैसा थोड़ा सा आया, अब पॉलिटिकल लोगों में बैठने लगा, अब बोले मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मेरा वो कर दूंगा, मैं तो ये कर सकता। मैं उसको देख के हैरान हो गया कि यार ये कल का बच्चा, मुंह से आवाज़ नहीं निकलता, अब ऐसा हो गया कि उससे बड़ा कोई नहीं, कराची में इसके जेब में फ़ोन करो सब कुछ हो जाएगा। ये असरात हैं, ऐसे लोगों में बैठा, उसके असरात उसको चिमट गए। मैंने बड़े नेक इंसान को देखा, बड़े नेक इंसान, इतनी बड़ी दाढ़ी है, रोज़ाना शराब पीते हैं, अल्लाह वाले बंदे, इनके पीछे लोग उलमाए कराम से निकले, लेकिन क्या सियासी लोगों में बैठना शुरू हो गया और इतना क्लोज हो गया, शराब पीना शुरू कर दी। तो भाई सोबत के असरात जो है इंसान की ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं, और सोबत के असरात इंसान की ज़िंदगी को बदल भी देते हैं। इसलिए नेक लोगों को सोबत होनी चाहिए, बुरे लोगों से बचो, उससे अब हाथ भी मिलाएंगे, उसका असर आपके दिल में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो है उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोड़ी है, कोड़ी के कोर वाले के साथ रहती है, ये तो तुम्हारे बच्चों को बीमारी लग जाएगी। तो बीबी रहमत को धक्के देके बाहर निकालें, धक्के देके बाहर निकालें। मुफस्सिरीन कहते हैं इनको इतना धक्का दिया गया, औरतों ने कई कई मील फेंक के आते थे इनको धक्के मार के, वो धक्के खाने की वजह से कंधे छिल गए थे। बात समझ में आ रही है? एक इंसान इतना इनको धक्का पड़ा, इतना इनको धक्का दिया कि उनके कंधे छिल गए थे, लेकिन शैतान को फिर भी सुकून नहीं मिला, शैतान को फिर भी सुकून नहीं मिला। उसने कहा बस्ती वालों को कि भाई इसको तुम बस्ती से निकालो, इसको तुम बस्ती से निकालो, वरना इसकी वबा जो है तुम सबको तबाह कर देगी, सब तुम बीमार हो जाओगे। आप सुनो मेरी बात, पैगंबर जब इंसान कहेगा ना कि या अल्लाह मैं जो है बीमार था, मैं कैसे नमाज़ पढ़ता, मैं तेरी इबादत कैसे करता, मैं तो बीमार था, तो अल्लाह ताला अय्यूब अलैहिस्सलाम को लेकर आएंगे, इससे ज़्यादा बीमार था तू, इससे ज़्यादा बीमार था, जवाब दे सकेगा? पूरे जिस्म के अंदर पूरा जिस्म गल गया था उनका, और पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, यहाँ तक कि कोई कीड़ा गिर जाता था तो उनको उठा के फिर दोबारा डाल देते थे, कीड़ा गिर जाता था फिर उठा के उनको डाल देते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी रिस्क यहाँ रखा है। ये पैगंबरों की शान थी। नूह अलैहिस्सलाम दावत देते थे और इनको पूरा दिन मारते थे, पूरा दिन मार खाते थे, पूरा दिन दावत देते थे, पूरा दिन मार खाते थे, और रात को आके ये नहीं बोलते थे अल्लाह मैंने तेरे लिए मार किया, मार खाया, ये बोलते थे अल्लाह मैं तेरा हक अदा नहीं कर सका, तू मुझे माफ़ कर दे। जितना अल्लाह के अल्लाह का खौफ पैदा होगा, जितना आप अल्लाह से मोहब्बत करोगे, उतना ही अल्लाह आपके अंदर नरमी पैदा करेगा। अगर आप अल्लाह की इबादत कर रहे हो, 200 रकअत नफल नमाज पढ़ रहे हो, फ़कीरों को खाना खिला रहे हो, ठीक है भाई, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर नरमी नहीं आ रही है, आजिज़ी नहीं आ रही है, तो समझ लो भाई सब बेकार है, सब बेकार है। शैतान आपको धोखे में रखा हुआ, आपके अंदर आजिज़ी नहीं, तो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल नहीं हुआ, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल नहीं हुआ। अल्लाह का क़ुर्ब जब हासिल होगा, जब आप अपने आप के अंदर नरमी पैदा होगी, क्योंकि अल्लाह ने हर जगह बोला है, हर चीज़ के साथ बोला सब्र करो, हर चीज़ के बोला सब्र करो। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म जो है, पूरा जिस्म गल चुका था, सिर्फ एक ज़बान चल रहा था, और उसमें ये नहीं बोला या अल्लाह तूने क्या किया, या अल्लाह तू कुछ सोच मेरे बारे में, है ना,
اے اللہ تو میرا حال دیکھ، اللہ بولتا بندہ ہے تو اپنے نامہ اعمال دیکھ، بولتا نا تن پریشان ہو گئے، یار ایسے میں نے کیا کر دیا، یار میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ کئی لوگ بولتے ہیں یار میں نے ایسا کیا کیا، دنیا میں تو لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے مجھے اتنی بڑی سزا دے دی۔ بچے ختم، دولت ختم، صحت ختم، سب کچھ ختم، تو ان کا ایک زبان چل رہا تھا اور اس میں کہہ رہا تھا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی بڑی قربانی کو دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بولے اللہ میں بیمار تھا، میرے ٹانگ میں درد تھا، نماز نہیں پڑھا، اللہ بولے اس سے زیادہ بیمار تھا، کیا جواب دیں گے؟ یہ ہوگا، کس سے کہانی نہیں ہے، ابھی تو بولے کیا بولی صاحب بولتا جا رہا ہے یار، ایسی ایسی باتیں سنا تھا ہر ہفتے آ کے، ایسی دنیا کی باتیں سنا تھا جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، یہ عجیب باتیں سنا، یہ قرآن کہتا ہے بھائی، اور یہ ہوگا، لکھ لو اس چیز کو، آپ مانو یا نہ مانو یہ ہوگا ضرور۔ بولے گا اللہ میں بیمار تھا، میرے پاس کھانا نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اس سے زیادہ تو بھوکا تھا، کیا کرو گے آپ؟ تو زبان چل رہا تھا سبحان اللہ، اللہ کے ذکر میں، تو بستی والوں کو بولا کہ بھائی اس کو تم کیا عذاب تم نے پالا ہوا ہے، اس سے تو بیماری پیدا ہو جائے گی، تمہارے بچے بیمار ہو جائیں گے، تمہارے عورتیں بیمار ہو جائے گی، تم اس کو ہٹاؤ، بھگاؤ یہاں سے، بستی سے نکالو۔ بستی والوں نے بولا اس کو لے کے جاؤں یہاں سے، اس کو لے کے جاؤں یہاں سے، تو بھلا میں کیسے اٹھاؤں، کوئی ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ چلو ایک ہوتا ہے نا کہ چلو ہم وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، ہم وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، شہر سے باہر چھوڑ کے آتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ایک عورت ذات تو کہہ رہا ہے اس کو لے کے جاؤ، ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہے بیماری نہ لگ جائے، تو پورا جسم تو گلا ہوا ہے، اور میں کیسے اٹھاؤں اس کو، میں نہیں اٹھا سکتی۔ تو اوپر سے فرشتے آئے، فرشتہ ہے اوپر سے، بولا ایک وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو، دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ، بہت طاقتور وظیفہ، اس کو لوگ اکثر مذاق میں بھی بولتے ہیں، یہ مذاق بن گیا لیکن اس کا بہت بڑے اثرات ہیں، اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں، بہت افضل وظیفہ ہے۔ فرشتوں نے بولا ولا حول ولا قوۃ الا بالحلی العظیم، کر کے اٹھا، اٹھ جائے گا یہ، بولا کیسے اٹھ جائے گا، عورت تھی، بولا عرش کے جو فرشتے ہیں نا، جو عرش کے فرشتے ہیں، جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، اسی کے فرشتے ہیں، اسی اسم کے، یہی اسم پر کے عرش کو پکڑا ہوا ہے۔ ہم بولتے ہیں نا یار اللہ حول ولا قوۃ، کیا ہے یار ایسے بولتے ہیں نا، یہ بہت افضل عمل ہے، لیکن ہم اس کو ایسے ہی مذاق میں بھی بول دیتے ہیں۔ تو بہرحال بی بی رحمت نے جو ہے ولا حول ولا قوۃ پر کے ان کو اٹھایا، اور اللہ نے طاقت دی، کہیں دور جا کے ایک چھوٹا سا جھگی بنایا، وہاں رہنے لگے۔ اس کے بعد بھی جو ہے وہ کئی میل چل کے کام کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جا کے، کئی میل میں جا کے، نہیں دیکھو اس کے بعد بھی کئی میل جا کے وہ کام کرتی تھی، پھر جو روٹی ملتا تھا وہ آ کے ڈبو کے کھاتے تھی۔ اور یہ بیماری کا عرصہ کتنا سال تھا بھائی میرے، پتہ ہے ایوب علیہ السلام کو پتہ ہے کتنے سال تھا، کتنے سال تھا، 70 سال گزر گئے بیماری میں، پہلے کی زندگی تو لمبی ہوتی تھی نا، 70 سال گزر گئے بیماری میں، آج تو ایک ہفتہ بیمار ہو تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں اللہ سے، ہے اللہ کیا ہے یار اللہ ایسا میں نے کیا کیا، 70 سال میں کبھی شکوا نہیں کیا۔ پھر ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحمت کو کہا انہوں نے کہ رحمت بات سنو میری، مسئلہ یہ کہ دیکھو میرے بیماری کا امتحان کا کچھ پتہ نہیں ہے،
कितने साल और गुजर जाएं, तो मैं तुम मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करो, तुम मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करो, मैं तुमको तलाक दे देता हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाओ। सुभान अल्लाह। तो बीबी हाजरा थी आजकल की, सॉरी बीबी रहमत थी, आजकल की तो औरतें थी नहीं कि थोड़ा सा परेशानियों को शौहर को छोड़ने के लिए तैयार। बेचारा शौहर ज़िंदगी भर काम करता है, मेहनत करता है, अपनी हराम देखता ना हलाल देखता, कुछ भी नहीं देखता, और सब कुछ करके ले आके देता है, फिर भी कुछ ना कर सको तो बोले तुमने क्या किया मेरे लिए। तो उन्होंने बोला कि कितने साल मैं आपके साथ रही, अच्छे हालात गुजारे, अब मैं आपको छोड़ दूं तो अल्लाह के क्या जवाब दूंगी, अल्लाह ताला के क्या जवाब दूंगी। अल्लाह ताला ने पूछ लिया तो इस हालत में मेरे पैगंबर को छोड़ कर चली गई तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। ये औरतें थी भाई, ये औरतें थी, ये ज़िंदगी थी उनकी। पैगंबर बोले ना पैगंबर पैगंबर, उनकी ये कुर्बानियाँ थी। जब तक उनकी कुर्बानियों को हम नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे और दिल से नहीं समझेंगे, तो कैसे हमें मिसले राम को रास्ता मिलेगा। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, शैतान तो शैतान है, उसे बर्दाश्त होता नहीं है। जैसे कि बीबी हाजरा के बच्चे लग गया था बहकाने के लिए, फिर उसे बस नहीं बना, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बच्चे लग गया, फिर जो है बस नहीं चला तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चला गया, फिर हमारा माइक ख़राब शुरू कर दिया करना, याद है उस दिन माइक भी ख़राब कर रहा था। अच्छा, तो मकसद कहने का ये कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब शैतान का सबसे बड़ा हरबा पता है क्या होता है, वो बुज़ुर्ग ही दिखाता है, बुज़ुर्ग बन के आता है। लोग नहीं बोलते फलां बाबा मुझे मिला, बोला तुम ये करो, फेफड़े डालो, फेफड़े लो, चीलों को खिला दो, तेरी परेशानी दूर हो गई, है ना, बोलते नहीं बोलते। बोले फला बाबा मिला, बोले कि चार कोनों पे लींबू डाल दो रोड पे, जिसके पाँव में लींबू पड़ा वो बीमारी कन्वर्ट हो जाएगी, तू बच जाएगा वो बीमार हो जाएगा। हम लोग मजे मजे से कर रहे होते हैं भाई अपनी बीमारी। तो यही वाक्य है अय्यूब अलैहिस्सलाम का, मैं बताता हूँ आपको, तो लोग करते हैं मजे मजे से कि यार हमारी जान छूटे दूसरा चला जाए, भाई काली मुर्गी उतार के फेंको, मैंने क्या क्या, मछली के मुंह में तावीज डाल के समुंदर में डालो, मछलियों का आटा खिलाओ, पता नहीं क्या क्या होता है। तो बहरहाल शैतान जो है बड़ा बुजुर्ग बन के आया, शैतान जो है बड़ा बुजुर्ग बन के आया, बड़ी दाढ़ी चुब्बा पहन के, ठीक है, बड़ी टोपी पहन के, एक तस्बीह होती है ना, एक तस्बा था, तस्बा तस्बीह होती ना, उसके बाद तस्बा था इतना बड़ा, और यूं हूं हूं करते हुए आया, ऐसा लगा कि ये अल्लाह का नाम पढ़ रहा है। वो जंगल से निकला, अभी भी हाजरा परेशान, तकलीफ, जगह जगह धक्के खाने वाली, लोग कई कई मील बस्तियों से निकाल के, कई कई मील छोड़ के आते थे धक्के मार के, धक्के खा खा के कंधे छिल गए, शौहर बीमार, बच्चे मर गए, कितना तकलीफ़, कितना दर्द। जब इंसान परेशान होता है ना, जल्दी आ जाता है बातों में, शैतान के बहकावों में आ जाता है। बहरहाल बीबी हाजरा के सामने आया, बोला तू परेशान है? बोला हाँ बहुत परेशानी है। बोला तेरा शौहर सही हो जाएगा? बोला कैसे सही हो जाएगा? बोला एक बकरा ले, उसको चौराहे पे ज़िबा कर। बात समझ में आ रही है ना, ये शैतान के हमले हैं, लींबू डालो, फेफड़े डालो, यही करते हैं ना, चौराहे पे लींबू डाल देते हैं, मुर्गी डाल देते हैं, फेफड़े डाल देते हैं। बोला एक ज़िबा कर बकरा, बकरा बीच चौराहे पे फेंक दे, जो इसके ऊपर से गुजरेगा या जिसको टच होगा तेरे शौहर की बीमारी उस तक कन्वर्ट हो जाएगी। चलो, ये शिर्क का रास्ता है, हकीकत में ये शिर्क का रास्ता है। बीमारी देने वाला कौन है भाई, बोलो ना, और शिफा देने वाला कौन है? बकरे का खून से शिफा मिलेगी भाई, उसको टच होकर यहाँ से बीमारी वहाँ चली जाएगी। ये सब जो है ना शिर्क के रास्ते हैं, गुमराही के रास्ते हैं। और शैतान को मौका मिला,
उसने बोला परेशान है। और सबसे पहले औरत बेचारी जो है शिकंजे में आ जाती है ना, मर्द को जन्नू मिले जाने वाली भी औरत है सबसे पहले। एक बुजुर्ग था, वो ऐसा था मुस्तबिल दावत, जो दुआ करे अल्लाह कबूल कर दे। तो एक आदमी पीछे लगा हुआ था कि यार ये मेरे दुआ कर, बोला भाई ये गलत दुआ है, मैं किसी के लिए बदुआ नहीं करता, मैं किसी के लिए बदुआ नहीं करता कि इसकी जो है ना, इसकी जो है ज़िंदगी जो है तबाह हो जाए। तो अब वो बोला कि यार ये तो मान नहीं रहा। फिर उसकी बीवी को पकड़ा, पैसे दिए, खाना दिया, ये दिया वो, तुम अपने शौहर से एक दफ़ा बदुआ करवा दो इसके लिए। वो बीवी ने उसकी ज़िंदगी हराम कर दी। बेचारे मजलूम होते हैं ना मर्द, बीवी ने उसकी ज़िंदगी हराम कर दी। वो घर पे जाए शुरू हो जाए, एक दफ़ा बोलने में क्या है, हो ना हो तुम्हारा क्या है, बोलने में क्या है। आखिर बेदारों को उसने बदुआ कर दी। तो वो बदुआ तो कबूल हो गई, लेकिन उसकी वो कुव्वत ख़त्म हो गई, ज़िंदगी भर उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। तो बहरहाल वो खुशी खुशी गई अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास, कहा कि एक बुज़ुर्ग मुझे मिला था रास्ते में, उसने मुझे ऐसा ऐसा कहा। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, बोला शैतान इधर भी आ गया। वो तो पैगंबर थे, उनको तो अल्लाह ने फरासत दी थी, बोला अब शैतान इधर भी आ गया। चलो भाई छोटी सी बात है, एक बात, एक मशवरा दिया, मानो नहीं मानो कोई बात नहीं। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बोला ये कैसे हो सकता है कि ये कैसी बातें कर रही हो कि शिफा देने वाला अल्लाह के ज़ात है, मेरी बीमारी दूसरे के पक चले जाए, उसकी बीमारी मेरे पास आ जाए, मेरी भी कैसी बातें, ये तो शिर्क वाली बातें। और बोला देखें एक बात करी ना, एक बात करी, जैसे कि अम्मा आयशा वगैरह ने सब ने एक एहतजाज किया था, एहतजाज तो नहीं था, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी, जितनी भी औरतें थीं, जितनी भी हमारे अम्माएं थीं, सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि भाई थोड़ा हमारा खाना बढ़ाया जाए, अब तो हमारे हालात अच्छे हो गए, हमारा खाना थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो गलत तो नहीं था मुतालबा, अगर हमारी बीवी बोले किसी को भाई तुम ये थोड़ा खाना, वो नहीं खा रही होते फिर बोले खाओ तो सही, क्यों नहीं खा रहे, अगर थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दे हमें कुछ अच्छी चीज़ ला के दे दो तो हम मना करोगे, नहीं लगो तो बोले यार गलती हो गई, सॉरी भूल गया यार, मैं अच्छा भी लेकर आता हूँ, रात बेरात जाके लेकर आओगे। उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन नबी उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, वो नाराज़ हो गए। फिर उन्होंने बोला हमें खाना नहीं चाहिए भाई, हम ऐसे ही सही हैं, आपको नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने एक बात करी थी, अय्यूब अलैहिस्सलाम बोलते ये गलत है, ये गुनाह काफ़ी था। उन्होंने बोला तूने सोच कैसे लिया, ये शिर्क तूने सोच कैसे लिया, और बड़े नाराज़ हुए। बोला कि रहमत जिस दिन मैं सही हो जाऊंगा ना, तुझे 100 डंडे मारूंगा। बताओ यार कितनी अल्लाह से मोहब्बत, कितने शिर्क से नफरत। जिस दिन सही हो गया 100 डंडे मारूंगा। वो बीबी रहमत थी, उन्होंने भाई मैं तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, तुम डंडे मारोगे, ये कौन सी बात हो गई, एक मशवरा दिया, नहीं तो कोई बात नहीं, ये डंडे मारने वाले कौन सी बात है, मैं दिन रात धक्के खा रही हूँ आपके लिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, खामोश हो गए। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, या अल्लाह ये तो अब मेरे घर तक चला आया। जब घर तक बात आ जाती है ना तो इंसान परेशान हो जाता है कि या अल्लाह कहीं मेरी बीवी को गुमराह ना कर दे। फिर उन्होंने फरियाद की अल्लाह ताला से, हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह से फरियाद की, पूरा जिस्म चल था। तो फिर अल्लाह ताला के रहमत जोश में आया, अल्लाह ताला ने बोला अय्यूब तू तेरा पैर है ना, ज़ख्मी पैर है, उसको ज़मीन पे मार। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पैर को ज़मीन पे मारा, अल्लाह ने वहाँ से चश्मा निकाल दिया, अल्लाह ने वहाँ से चश्मा निकाल दिया। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बोला अल्लाह ताला ने अय्यूब इसको थोड़ा पी लो और इससे नहा लो। क्या कहा, इसको थोड़ा पी लो इससे नहा लो, सारी बीमारी ख़त्म हो गई, सारी बीमारी ख़त्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम जवान हो गए जब जैसे पहले थे। बीबी हाजरा जो है
वो दरवाज़ा बंद करके जाती थी, हल्का सा एक चटखनी लगाया हुआ था, कोई बांस लगाया हुआ था, लकड़ी, मुफसिन अलग अलग चीज़ें बताते हैं, तो वो खुला हुआ था। वो घबरा गई कि लगता कोई, चल तो सकते नहीं थे, पूरा जिस्म ख़त्म था, तो घबरा गई, कोई जानवर अंदर घुस के उनको नुकसान ना पहुंचा दिया। वो रोने लगी, रोते रोते आई तो देखा कोई नौजवान शख्स बैठे हुए, तो वो घबरा गई कि वो कहाँ चले गए इतने। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें हाथ को पकड़ा, बोला अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दे दी। तो मकसद ये, उन्होंने कहा अय्यूब अलैहिस्सलाम को, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। इसके बाद जो है बीबी रहमत ने कहा, देखें जब मियां बीवी बैठे, वन टू वन बैठे ना, जब हालात अच्छे हो गए, पहले तो बीमारी सब गम, इतना बड़ा गम, जब इंसान को बीमारी लगती है ना तो सब गम भूल जाता है, इतना बड़ा गम, बीमारी, तकलीफ़। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम और ये बैठे हैं तो फिर बीबी रहमत ने कहा आज मुझे मेरे बच्चे याद आ रहे हैं, आज मुझे मेरे बच्चे याद आ रहे हैं, काश अल्लाह ताला उसे भी ज़िंदा कर देता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है ज़मीन में जलजला आया, ज़मीन फटा, अल्लाह ताला ने उसको बच्चों को ज़िंदा किया। फिर अल्लाह ने बोला, बोलते ना यार ये क्या मरे हुए कैसे ज़िंदा होते हैं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो करीम ज़ात हूँ मैं जो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है। सब खुशियाँ आ गई, सब अच्छा हो गया, ठीक है। लेकिन पैगंबर का वादा तो पैगंबर का वादा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बोला कि मैंने वादा किया था 100 डंडे मारूंगा, तू तैयार हो जा डंडे खाने के लिए। इतनी खिदमत गुजार बीवी, पैगंबर ने जबान मुंह से निकाला अल्फाज तो करना है, पीछे नहीं हट सकते। अब वो 100 डंडे उस हाल में खाना तो ज़िंदगी ख़त्म थी। फिर अल्लाह ताला ने रहमत बरसाई, अल्लाह ताला ने बोला अय्यूब अलैहिस्सलाम को कि तू 100 डंडे नहीं, झाड़ू के 100 तिनके ले लो, झाड़ू के 100 तिनके ले लो, तुम्हारा भी ज़बान पूरा हो जाएगा और मेरी भी रहमत। ये उनकी ज़िंदगी थी भाई, ये पैगंबरों की ज़िंदगी थी, ये हालात थे। अब उस चीज़ को हम एक जगह पे रखें और हम अपने हालात को एक जगह पे रखें, ये हम बोले भाई वो तो पैगंबर थे हम क्या कर सकते हैं, तो भाई अल्लाह ताला उसको सामने खड़ा करेगा, आपको आपको जवाब देना पड़ेगा। गुर्बत है तो खड़ा करेगा, पैसे वाला है तो पैसे वाला पैगंबर अल्लाह खड़ा करेगा, बादशाह है तो सुलेमान अलैहि सलाम को खड़ा करेगा, मिनिस्टर है तो फिर अल्लाह से कौन बहस कर सकता है, तो मुकाबला कर सकता है उससे बड़ा समझदार, उससे बड़ा फहीम जिसने आपको दिमाग दिया, शतरंज के चाल चलने वाले लोग हैं, दिमाग जिसने आपको दिया और आपको जिसने फहीम दी, जिसको आप, जिसने आपको समझ दिया, सब कुछ उसने दिया, उससे आप चाल मज़ी कर सकते हैं क्या? बोलते उस्ताद से उस्तादी नहीं होती ना। तो इसी तरह कि अल्लाह ताला ने सब, उससे कौन मुनाजरा कर सकता है, कौन जीत सकता है? तो भाई मामलात को सही करो अपने आप समेत, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको, हम सब अपने मामलात को सही करें, पैगंबर के हालात को देखें, उनकी ज़िंदगी को देखें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। और ये बातें घरों में भी बताओ, ताकि होम मिनिस्टर सही होगा तो भाई सब वजिया सब सही होंगे, ठीक है ना। औरत सही होगी घर के तो फिर बच्चे की तरबियत भी अच्छी होगी, सब चीज़ें अच्छा होगा। तो उनको भी बताओ भाई इन्होंने इस तरह ज़िंदगी गुजारी है। हम मॉडल्स की चीज़ें तो बता देंगे, ये फलां मॉडल ऐसा, तो फलां लिपस्टिक, तो फलां डिज़ाइनर, फलां ऐसा है भाई, पता नहीं कैसे कैसे शूज़ हैं, हम तो सुन के हैरान हो जाते, बोले भाई ये ब्रांड शूज़ हैं, ये ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मकसद ये कि सब चीज़ें हम बता रहे हैं तो ये भी बताएं कि भाई अल्लाह का क्या हुक्म है, पैगंबर ने कैसे ज़िंदगी गुजारी और किस तरीके से, हमें कोशिश तो करना है ना। कोशिश करोगे तो भाई नकल में जो है ना, बाद लोग नकल करते तो डंडे, हमें हमने बड़े नकल के स्कूल में मार मिली, लेकिन कुछ नकल में जो है ना अजर मिलता है। नबी का नकल करोगे अल्लाह अजर देगा, ठीक।
ठीक है ना, पैगंबर का नकल करोगे अल्लाह आपको राह बताएगा। तो कोशिश करें, ठीक है। अब जिक्र का अमल शुरू होगा तो जिक्र के लिए सब हजरात तैयार हो जाएं, और ये सोचें कि ना आपके दाएं कोई है ना बाएं कोई है, ना आगे जिक्र ना आगे है ना कोई पीछे है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और आप है और कोई भी नहीं है। और बिल्कुल ऐसा करना है कि बस अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतारना है और अल्लाह को राज़ी करके जाना है और दिल को बिल्कुल साफ़ करके जाना है, ठीक है ना।